हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आकाशदीप। आज हम स्टार्ट करेंगे सिलॉक्स में जो नए टाइप के पजल आ रही है, जिसमें ओनली और ओनली आप फेव के जो कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा। तो इसमें अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पर। तो चलते हैं हमारे आज के जो टॉपिक, मैंने देखा देख लिया होगा आपने थंबनेल में कि आज अब हमारा का क्या टॉपिक है। आज हम पहले तो बेसिक्स सीखेंगे कि सिलॉक्स में कुछ जैसे कि नए पैटर्न में आ रहा है कि एक जैसे लिख के आता है कि ओनली ए आर बी या ओनली ए फेव ए आर बी। तो ओनली ए आर बी का मीन्स क्या होता है, तो इसके लिए देखिए बताना चाहूंगा। जैसे कि ओनली ए आर के इसका मीन्स होता है कि ऑल बी आर ए। तो देखिए इसका मीन्स मतलब कि मैं इसका बना दे रहा हूँ डायग्राम कि ऑल बी आर ए, और वहीं पर और इसके अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि इसमें जो स्किल हो सकता है कि ओनली ओनली मतलब कि जो बीच बाद वाला जो टर्म है वो ऑल होगा उसके अगले जो प्रीवियस टर्म होगा। और वैसे ही अगले जो लिखा हुआ है कि अगर लिख के आता है ओनली ए फेव ए आर बी, तो इसके लिए तो देखा इसमें अगर लिख के आता तो इसका मतलब ये होता है कि सम ए आर बी ये कहना तो सही होगा, पर जो आगे जो दिया हुआ है कि अगर लिख के आता कि जैसे कि मैं बता रहा हूं इसमें कि जैसे कि लिख सम या मतलब कि मतलब ऑल नहीं हो सकते हैं, मतलब ऐसे लिख के आता कि ऑल ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, तो ऐसे में तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता। बट अगर इसमें ये लिख के आता ऑल बी कैन बी ए तो ये पॉसिबिलिटी सही हो सकती है, क्योंकि इसमें लिखा है मतलब कि सम ए आर बी। तो देखिए इसमें देखिए ये फिगर इस तरह से बन सकता था सम ए आर बी बट नॉट ऑल ए आर नॉट बी हो सकते हैं, मतलब कि ये लिख के आता ऑल ए आर बी ये वाला बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि ओनली आ फेव ए आर बी, तो मतलब कि सम ए आर बी, तो मतलब कि सम ए कुछ ए बी हो सकते हैं बट ऑल ए बी नहीं हो सकते हैं। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि सम ए आर बी और सम बी आर और इसमें सम बी आर ए ये भी सही हो जाएगा और सम ए आर भी यह भी सही हो जाएगा। तो मतलब कि आप ओनली या फेव वाला कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ पाए हैं तो मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, जैसे कि ओनली ए फ्यू कार इज बाइक, ये आ गया हमारा स्टेटमेंट। और कंक्लूजन में देता हूं, फर्स्ट कंक्लूजन देता हूं कि ऑल कार कैन बी बाइक, ऑल बाइक कैन बी
कार, तो देखिए इसमें लिखा हुआ ओनली अ फेव कार इज बाइक, तो देखिए ओनली अ फेव कार इज बाइक, तो देखिए ओनली अ फेव मतलब क्या कि ऑल बाइक अगर लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ कंक्लूजन कि ऑल कार कैन बी बाइक नहीं हो सकता, क्योंकि सभी कारें बाइक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि क्योंकि इसमें दिया हुआ है सम कार इज बाइक। तो और दूसरा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है कि ऑल बाइक कैन बी कार, यस ये वाला सिस्टम सही हो सकता है, क्योंकि ऑल बाइक कैन बी कार, बिकॉज इसके स्टेटमेंट ये सही हो जाएगा कि सम कार इज बाइक। तो हमारा स्टेटमेंट जो सेकेंड वाला है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह देखिए दूसरा वाला देता हूं मैं कि ओनली बुक इज पेज, तो इसका मतलब है कि ऑल पेज आर बुक। तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो मुझे इसके बारे में आप फीडबैक दे सकते हैं कि आपको कैसा लगा लेक्चर, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके लिए सिलॉक्स के क्वेश्चंस लेके आऊँगा कि बाकी के और भी कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि शॉर्ट ट्रिक्स होंगी, जैसे कि बैंक बैंक और एसएससी एग्ज़ाम के लिए आपको, और आने वाला जो एग्ज़ाम है एसबीआई क्लर्क के लिए भी हेल्पफुल होगा, और जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक बनेंगे कि किस तरह के पजल बन सकते हैं, वो कुछ मैं पजल की भी सीरीज लेके आऊँगा डेली, और डेली की डेली में नया नया सीरीज लेके आता रहूँगा, और कुछ और भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जैसे कि जीए की भी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स में लेके आऊँगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहें, सीखते रहें आकाशदीप के साथ। थैंक यू, साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, कीप स्माइल, कीप हैप्पी।